आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। प्रदेश के कई शहरी इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जोरों शोरों से अभियान चल रहा है। लगातार अवैध अतिक्रमण के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और राजधानी सहित प्रदेश के सभी इलाकों को स्मार्ट बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश को देखते हुए नगर विकास विभाग ने प्रदेश भर में एक महीने विशेष अभियान चलाने का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत 18 जून तक अवैध वाहन स्टैंड, अवैध पार्किंग, सड़कों नालों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसके अलावा बदायूं, अलीगढ़ में भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार जिस तरह से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, अब तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं लखनऊ, बदायूं और अलीगढ़ की। लखनऊ में हाली जो डीएम अभिषेक प्रकाश था, उनका भी एक बयान जारी किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि चारबाग के एरिए में जो भी अवैध अतिक्रमण है उसे हटा दिया जाए, जिससे ट्रैफिक ज्यादा ना हो, ट्रैफिक मुक्त हो चुके चारबाग एरिया। लेकिन जिस तरह से अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, कई गरीबों का ये कहना है कि उनका घर उजाड़ा जा रहा है, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि ये अवैध अतिक्रमण है, गलत तरीके से यहाँ पर दुकान या घर बनाए गए हैं। इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ कर के यह सामने आता है इस अवैध अतिक्रमण के बीच भी कि आखिर ये अवैध अतिक्रमण हुआ कैसे, आया ही कैसे ये, जो उसको हटाने की जरूरत पड़ रही है। अगर देखा जाए तो कुछ एरिया में हो गया, कुछ इलाकों में हो गया, लेकिन जिस तरह से ऑलमोस्ट एरियाज में देखने को मिल रहे हैं अवैध अतिक्रमण, ये आया कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल निकल करके तो यह सामने आता है। को या फिर वहाँ के उप जिलाधिकारी को इसके प्रति हम जवाबदेह बनाएंगे और इसकी मॉनिटरिंग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और जिलाधिकारी को अपने अपने जनपदों में नियमित रूप से करना होगा। सड़कों पर अलविदा की नमाज नहीं हुई, हमें सुनिश्चित करेंगे कि सड़कें आने वाले समय में भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का कारण नहीं बनना चाहिए। सड़कें खुली होनी चाहिए, सामान्य लोगों के आवागमन के लिए उसमें पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए जो पिछली वीसी मेरी थी उसका ही ये सेकंड वर्जन है कि अब हमें इसके आगे बढ़ना है और इसीलिए मैंने आज इतने बड़े पैमाने पर सभी नगर निकायों को, सभी 734 नगर निकायों को इसके साथ जोड़ने के लिए कहा है। सभी लोग आज इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण, ये जो सफलतापूर्वक कार्य हुए हैं इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। आप में से सभी अधिकारियों ने अपने स्तर पर मेहनत की और उसके परिणाम भी हमारे पास आए हैं इसके लिए। लेकिन आने वाला कार्यक्रम हमारा और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़क सुरक्षा के बारे में जो हमारे पास आंकड़े हैं ये बहुत डरावने हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अगर आपको मैं आंकड़े बताऊं कि 2021 में 37,729 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 21,227 लोगों की मौत हुई है और 24,897 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में जो 72% मृतक हैं उनकी जो एज ग्रुप है वह 18 से 45 वर्ष है और इसमें से जो ज़्यादातर मौतें हुई हैं, लगभग 38 से 39% जो मौतें हुई हैं ओवर स्पीडिंग उसका मुख्य कारण रहा है। कि लखनऊ में हमारे 15 से 20 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर आवागमन भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और साथ ही साथ कई विभागों का यहाँ समन्वय की आवश्यकता रहती है। इसी के क्रम में पहले जो निर्णय हुआ था वो चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने के एरिया और नत्था चौराहे से लेकर के रेलवे स्टेशन के लास्ट तक का, या पॉलिटेक्निक हो या अवध क्रॉसिंग हो, इस प्रकार के हमारे जो महत्वपूर्ण जगह है, पब्लिक प्लेसेज हैं, यहाँ पर 5 चीजों पर स्पष्ट निर्णय लिया जा चुका है जिसका अनुपालन संबंधित विभागों एजेंसीज को करना है। सबसे पहला, कोई भी अवैध बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड नहीं संचालित होगा, ये वैध ही संचालित होंगे और इसकी संचालन नियमानुसार नगर निगम के द्वारा की जाएगी। नंबर दो, कोई भी डग्गा मार व्हीकल ये नहीं रोड पे चल सकती है क्योंकि ये दुर्घटना के साथ साथ ये नियमों के विरुद्ध भी है। इसके लिए विशेष एक ड्राइव भी चलाया जा रहा है परिवहन विभाग के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी।
कहना है कि कोई भी जो टगमार वाहन है वो नहीं चल सकता है, या फिर जो भी स्टैंड्स है, जो स्टैंड संचालित है वो सिर्फ नगर निगम द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। इसमें लगातार कई तरह की बातें निकल करके भी सामने आई है, अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, स्टैंड से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इन सबके बीच कई बार हिंसक झड़प भी देखने को मिला है, जो कार्यकर्ता हटाए जाते हैं अतिक्रमण और जिन लोगों ने वहां पर अतिक्रमण कर रखा है। अभी हाल ही में भूतनाथ में अतिक्रमण हटाने गए हुए थे अधिकारी और जो भी कर्मी है उनके साथ मारपीट की जो वारदात है वो सामने आई, उनके साथ मारपीट हुआ। आखिर जिम्मेदार कौन है इन सबका? आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बेहद ही अच्छी बात है, बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, शहर को साफ सुथरा और नियमबद्ध होना चाहिए, लेकिन ये अतिक्रमण हुआ कैसे, जिस पे एक्शन लिया जा रहा है? आप तस्वीरें देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन्स पर कि किस तरह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लगातार प्रशासन के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई की मार भी जनता पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं गरीबों का यह कहना है कि हमारा अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है, महंगाई बढ़ाकर हम पे ही वार किया जा रहा है। इन सबके बीच जो जनता की जो जवाबदेही है वो किसकी बनती है, जनता को कौन जवाब देगा? लगातार जो जनता आरोप लगा रही है, तो जिस तरह से लगातार ये आरोप लगता हुआ सामने आ रहा है कि अतिक्रमण तो अवैध हटाए जा रहे हैं, लेकिन ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनका ये भी इल्जाम लगातार लगाया जा रहा है कि किस तरह से उन पर हंटर चल रहा है गरीबी का। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ देवेंद्र सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मंजू शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वही सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ नाहिद अकील जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। देवेंद्र जी, जिस तरह से अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, आखिर किसकी छत्र छाया में अतिक्रमण पल रहा है जिस पर बुलडोजर चल रहा है? चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का पक्ष बहुत ही स्पष्टता के साथ, ईमानदारी के साथ आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी की सरकार, जब से दूसरी बार सरकार बनी है, हम समझते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा ही संवेदनहीन होते जा रहे हैं। जिन नागरिकों के वोटों के द्वारा ये विधायक बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, एमपी प्रधानमंत्री भी इन्हीं की सरकार है, मगर जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे लोक लुभावन वादे कि जनता को इनसे ज़्यादा उनका जनता का जो है रहनुमा कोई है ही नहीं, मगर जब चुनाव जीत करके इन्हीं भोली भाली जनता के वोटों से चुनाव जीत करके सरकार बना लिए, तब ये देखा जाए तो जो इनका लोक संकल्प पत्र है उस लोक संकल्प पत्र के पूरे खिलाफ काम कर रहे हैं। ये 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देते थे, किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपये देते थे, आज एक महीने सरकार होने के बाद ही हर जगह पे तिसला जी लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है, डुग्गी पिटाई जा रही है कि आप पात्र नहीं हैं। इससे बड़ा मजाक प्रदेश की जनता के साथ भला क्या हो सकता है? ये जो अतिक्रमण कांग्रेस पार्टी, हम अतिक्रमण के बिल्कुल विरोध में नहीं है, शहर की सड़कें साफ सुथरी होनी चाहिए, ये नगर निगम की जिम्मेदारी है, जनता टैक्स देती है। साथ ही यदि पटरी दुकानदार हैं, यदि अतिक्रमण हटा रहे हैं तो उसका भी प्रॉपर एक तरीका होता है कि आप नोटिस भेजिए, आप उनसे जवाब मांगिए। पहले तो आप जो है अतिक्रमण करवाते हैं, रखवाते हैं इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, और उनसे वसूली करते हैं, और उसके बाद में
उनका निवाला, जो 2 जून की रोटी उनके परिवार जिससे पलते हैं, उनका रोजगार छीनते हैं। रोजगार तो सरकार दे नहीं पा रही है। तिसला जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ। गांव में एक समय लगभग हर घर में 1-2 लोग सरकारी रोजगार पाते थे। कोई मास्टर होता था प्राइमरी में, कोई पुलिस में होता था, कोई सेना में होता था, अन्य नौकरियों में लोग होते थे। आप अपने चैनल के माध्यम से जांच करा लीजिए। गांव तो छोड़ दीजिए, पूरे के पूरे इलाके में पिछले 8 सालों से, जब से सेंट्रल में मोदी की सरकार आई है, और 5 साल से ज़्यादा जब से 2017 से योगी जी की सरकार आई है, नौकरियों पे ताला लग गया है। आखिर लोकप्रिय सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? जी, आप लंबे लंबे लच्छेदार बातें करते हो, मगर सच्चाई हकीकत तो ये है कि केवल भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित चेहरे की बात करती है, सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ, नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, वादा खिलाफी, ये भारतीय जनता को परोस रही है। हम समझते हैं तिसला जी, ये बहुत ही खराब दिशा में प्रदेश को, देश को ले जाने का एक सोचे समझे रणनीति के तहत है। आज जहां देखिए, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, बुलडोजर बाबा आ गए हैं, आखिर सब क्या है? एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, हम समझते हैं जो कारनामे इनके हैं वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान के संविधान के लिए, हिंदुस्तान के संवैधानिक संस्थाओं के लिए किसी भी सूरत में ये उचित नहीं है। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र जी, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद अकील जी जुड़ी है। नाहिद अकील जी, ये जो अतिक्रमण पर बुलडोजर वॉर चल रहा है, किस तरह से आप इसको देखती हैं? नाहिद अकील जी, जिस तरह से ये अतिक्रमण पर बुलडोजर वॉर चल रहा है, किस तरह से देखती हैं आप इसको? कि प्लानिंग का हिस्सा होता है, लगातार कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं। क्या उस टाइम जो नक्शा पास करता है, क्या उसको नहीं पता कि बेसमेंट में हर जगह पार्किंग होनी चाहिए? जब उसी कॉम्प्लेक्स में बंदा जाएगा खरीदने के लिए तो पैदल तो जाएगा नहीं, या तो वो साइकिल जाएगा, मोटरसाइकिल से या कार से कहाँ खड़ा करेगा, अपने सिर पे खड़ा करेगा? तो ये तो सरकार की प्लानिंग का हिस्सा है कि आपने प्रॉपर व्यवस्था की ही नहीं कि जनता कहाँ पार्किंग करे। ऊपर से फरमान, ये जनता का खून चूसने का तरीका है तरह तरह से, कि फरमान आ गया कि अगर कार पार्किंग गलत बनी हुई है, अवैध हटाई जाएंगी, अगर जनता ने कहीं गाड़ी खड़ी कर दी तो उससे 4 गुना दाम वसूला जाएगा। तो दरअसल ये सब इंडिकेशन, या अभी आप महंगाई पे आइए, हमारे पहले के जो साथी बोल रहे थे उसमें भी आ जाए कि इस तरह से ये वसूलीकरण हो रहा है। वसूली पे आप जाकर के देखिए कि आज जनता को एक एक करके कैसे वसूला जा रहा है। आप अगर किसान सम्मान निधि है, किस वक्त दी गई थी? कोविड के समय आपने बांटा, बाद में जब शिक्षा नजर होने लगी कि लोगों को 5 किलो अनाज मिल जाए, मैं कहती हूँ कि आप उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं, दुखी पिटवा रहे हैं। अगर कल मेरे पास 2019 पहले मोटरसाइकिल थी, मेरी हैसियत थी, लेकिन 2 साल में अगर हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारा सब कुछ चला गया है, तो कैसे आप अपन होगा कि उसके आधार पे आप कह रहे हैं कि सब वापस कर दो, नहीं तो किया जाएगा किस आधार से? वो इंसान चला नहीं रहा, लेकिन उसकी हैसियत 2 साल से नौकरी ही की नहीं हुई है, इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, हमारा उस जमाने में बहुत पक्का मकान बड़ा बना हुआ था, लेकिन 2 साल में हमारा रोजगार छीन गया, तो हम क्या पहले घर की दीवारें गिराएं, उसके बाद हम लाइन में लगे कि हमें बीपीएल का अनाज मिले? आपका मूल्यांकन क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल। नाहिद अकील जी, ये बात बिल्कुल सोचने वाली है कि जब बिल्डिंगें बनती है, जब बिल्डिंग बनने का परमिशन मिलता है, तो उसमें पार्किंग है या नहीं है, इसका ध्यान पहले क्यों नहीं रखा जाता है? बाद में अतिक्रमण होता क्यों है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, कॉम्प्लेक्स में अगर दुकानें हैं, तो वहां पर
लोग गाड़ियां खड़ी करेंगे, लोग सामान खरीदने आएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मंजू शुक्ला जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर मंजू शुक्ला जी, अतिक्रमण पर बुलडोजर वॉर तो चल रहा है, लेकिन किसकी छत्र छाया में अतिक्रमण पल रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी है? अतिक्रमण नहीं बढ़ रहा है, और जहां तक रही बात बुलडोजर की, तो बुलडोजर की जरूरत थी। जो पहले की सरकारें थी उन्होंने इस तरीके से माहौल को खराब कर रखा था, इतना अपराध बढ़ गए थे कि बुलडोजर की जरूरत तो पड़नी थी। आप खुद देखिए कि बुलडोजर किसी शरीफ और घर पे नहीं चला है। मंजू शुक्ला जी, अतिक्रमण पे जिस मंजू शुक्ला जी, शायद आपने मेरा प्रश्न ध्यान से सुना नहीं। अतिक्रमण पर जो बुलडोजर वॉर चल रहा है, हम सभी इसका समर्थन करते हैं। सब टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स भरते हैं, उन्हें रोड साफ सुथरी चाहिए, ट्रैफिक मुक्त चाहिए, हम लोग बिल्कुल उस बात का सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ करके आता है कि ये जो अतिक्रमण ये पनपा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जब अतिक्रमण यहाँ बढ़ रहा था तब प्रशासन कहाँ था? अतिक्रमण देखिए, आप मतलब प्राइम टाइम जिम्मेदार चैनल है और ये जानता है अच्छी तरीके से कि जब भी आपने ये मुद्दा उठाया महंगाई का कि अतिक्रमण के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, मतलब हर बात के लिए अगर हम सरकार को जिम्मेदार ठहरा दें और ये कह दें कि अतिक्रमण बढ़ गया है, तो धीमे धीमे व्यवस्था सुधर रही है। आप देखिए कि पिछले 5 वर्षों में। लेकिन मंजू शुक्ला जी, अगर नगर निगम इतना सशक्त है तो क्या जरूरत पड़ गई कि हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा अतिक्रमण हटाने के लिए? नहीं देखिए, हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा है, ठीक बात है, मैं मानती हूँ कि, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सारे अच्छे काम कर रही है और बाकी पार्टियों ने खराब काम किए हैं, लेकिन पहले से आज की अपेक्षा आप देखें तो चीजें बहुत बदली हैं। और दूसरी बात ये है कि आप इस बात को भी मद्देनजर रखें कि हम ये शासन काल ऐसा रहा था जिसमें लॉकडाउन और कोरोना, मतलब जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना सामना सफलतापूर्वक करते हुए और बहुत हद तक सफलता इसमें प्राप्त करके भी काम को सुशासन लाया गया है, जो एक हमारा स्लोगन था भाजपा का, सोच ईमानदार काम दमदार, तो वो तो आपको दिख ही रहा होगा। अपराधियों ने अपने असहे पिछले 5 सालों में भी भाजपा की सरकार थी, पिछले 5 सालों का जो कार्यकाल था, जो ये अतिक्रमण है, ये आज का तो है नहीं मंजू शुक्ला जी। अतिक्रमण 1 महीने या 2 महीने में तो 4 बार में हो नहीं गया है, पिछले 5 साल भी भाजपा का कार्यकाल था। आप भी गाड़ी से जाती होंगी, आप भी देखती होंगी, पिछले 5 साल में अतिक्रमण नहीं हटा, अचानक से क्यों? पहले भी अगर आप 4 बाग से निकलती थी तो आपको आधे घंटे का इंतजार करना पड़ता था, वो अतिक्रमण पिछले 5 सालों में क्यों नहीं हटा, सबसे बड़ा सवाल निकल करके ये सामने आ रहा है। मंजू शुक्ला जी, मेरी ही ग्राउंड रिपोर्टिंग में वहां के गरीबों का कहना है कि पहले हमें किसी ने कुछ नहीं बोला, ये चीजें अचानक से हो रही है। नहीं देखिए, चीजें बहुत बदली है जी, और मैंने कहा कि मैं फिर बार बार कहूंगी कि सामाजिक जागरूकता की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब जैसे कोविड चल रहा था, कोरोना चल रहा था, उस दौरान पब्लिक को बजाय घर में रहने के, जब ये कहा जा रहा था लगातार कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, उसके लिए तमाम प्रयास किए गए, तो जनता बाहर क्यों निकली? उसी तरीके से अतिक्रमण के लिए यातायात के नियमों का पालन करना प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है, वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जाम अगर लगता है तो उसके लिए जनता भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। अब आप बताइए कि पुलिस व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर भी देखे, अतिक्रमण भी हटवाए, सारी चीजें करे, समाज को भी तो देखिए जागरूक होना पड़ेगा, है ना जी? और बहुत जरूरी है समाज की जागरूकता, तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ, जब कोई नक्शा पास होता है
किसी भी मल्टीप्लेक्स का, किसी भी बिल्डिंग का, तो नक्शा पास करते वक्त इसका ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है कि पार्किंग है या नहीं है? क्यों नक्शा पास कर दिया जाता है? अगर कोई मल्टीप्लेक्स है, उसमें शॉपिंग मार्ट है, तो लोग शॉपिंग करने आएंगे, पार्किंग नहीं है तो बाहर ही तो खड़ी करेंगे ना अपनी गाड़ी। तो ये ध्यान तो नक्शा पास करते वक्त देना चाहिए था। ये आपका सुझाव अच्छा है जी। हम सरकार तक इस बात को जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जी, आज इस बात को ध्यान में रखा जाए जी। बिल्कुल, हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से देवेंद्र सिंह जुड़े। देवेंद्र सिंह जी, किस तरह से देखते हैं आप पूरे इस मामले को कि जब पहले तो नक्शा पास हो जाता है, मल्टीप्लेक्स में शॉपिंग मार्ट खुल जाते हैं, एंड जब शॉपिंग मार्ट खुले ऑब्वियस सी बात है कि लोग जाएंगे शॉपिंग करने, मूवी देखने जाएंगे, उस वक्त इसका ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? किस तरह से देखते हैं अब आप इसको? देखिए तसला जी जी, निश्चित तौर पे आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत मौजू एक जिम्मेदार पत्रकार की भूमिका निभाते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अभी मैं सुन रहा था, हमारी बहन और बहुत ही संवेदनशील महिला हैं डॉक्टर मंजू शुक्ला जी, लखनऊ के सामाजिक और शैक्षणिक जन आंदोलनों में जुड़ी रही हैं, हमारी बहन हैं। मगर आज ये भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से बचाव, जिस तरीके से बात कर रही हैं, आखिर इस अतिक्रमण का अतिक्रमण बचाव नहीं कर रही हूँ। हाँ देवेंद्र भैया, आप स्वयं जानते हैं। हाँ। आप खुद एक जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता है, आप खुद बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बात आ जाने दीजिए। डॉक्टर साहब मेरी बात आ जाने, अभी तो मैं आपके अभी भाजपा के ऊपर आपको कुछ बोला ही नहीं, वो आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। मैंने आपकी बात को डॉक्टर साहब, मैं मंजू जी, बहन मंजू शुक्ला जी, मैं आपकी बात को बहुत गंभीरता से धैर्यपूर्वक सुना है। आप कृपया मेरी बात को आ जाने दीजिए, फिर आप अपने अपने समय में अपनी बात रखिएगा। बावजूद पार्टी हार गई, देखिए कांग्रेस एक बहुत जिम्मेदार लोकतांत्रिक पार्टी है, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब, सर्वधर्म समभाव, भाईचारा, मजदूर कुटुंबकम, और इस देश के जंगे आजादी की लड़ाई लड़कर इस देश को एक मजबूत सरकार, एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार देने का काम किया है। मगर दुख इस बात का है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस संवैधानिक संस्थाओं को और लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, लोगों के हक और हुकूक को मार रही है, ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र में आज भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे योगी की सरकार हो, ये लोकतांत्रिक द्वारा चुने हुए सरकार जैसा काम नहीं कर रही है, ये एक तानाशाह जैसा काम कर रही है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती है, ये झूठ फरेब, जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा, ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार, आपकी सरकार जिस तरीके से लोगों में नाम पे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मैं आपके चैनल पे देख रहा हूँ, स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे का खरीदे हुए सामान को कैसे तोड़ फोड़ को लाद करके नगर निगम के कर्मचारी ले जा रहे हैं। क्या देश के ये बाहर से आए हुए क्या? आप हर देश के नागरिक को आप पाकिस्तानी, बांग्लादेशी घोषित कर देना चाहते हैं। इन्हीं के वोटों से आप सरकार में आए हैं, इन्हीं के हक के लिए आप बात करते हैं और बात करते और काम करते हैं हमेशा इनके खिलाफ। जी, आप लोग एक एक करके अपनी बात रखें तो दर्शकों को आप लोगों की बात समझ में आएगी। आप लोग अपना पक्ष एक एक करके रखें। त्रिशला जी, मैं कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से आरएसएस के इशारे पर, उनके अनुसंगठनात्मक संगठन जिस तरीके से देश में माहौल बिगाड़ कर और मुख्य मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटका करके आज बेरोजगारी चरम पर है, आज बिजली है नहीं, पेट्रोलियम पदार्थों के रेट हर दिन आज भी 2 रुपये CNG बढ़ा है, कल गैस के रुपये बढ़े हैं, लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के, आदमी परेशान है, जो 2 जून की रोटी जुटा पाना उसके लिए मुश्किल हो गया है, अपने बच्चों के फीस नहीं जमा कर पा रहा है। बिल्कुल देवेंद्र जी, हम महंगाई के मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल पंग बना रखा है। बिल्कुल देवेंद्र जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही चाल चलित चेहरा है? मैं कहना चाहता हूँ यदि ये चाल चलित चेहरा है तो देश की जनता को ये कभी नहीं कबूल होगा और 2024 में
आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक हिंदुस्तान की जनता सिखाएगी। और बहन मंजू शुक्ला जी जो कह रही हैं चुनाव में हार जीत होता रहता है, कांग्रेस को अब भारतीय जनता पार्टी ये ना सिखाए कि हम सरकार कैसे चलता है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में आज जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे देश से लेकर ग्राम स्तर तक जितनी भी संस्थाएं बनाई गई हैं, वो कांग्रेस की सरकार बनाई गई है। बिल्कुल देवेंद्र जी, जनता ने प्रदर्शन देखा है। इसला जी मेरी बात आज एक मिनट में देना चाहूँ। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है और चंद उद्योगपतियों के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। भगवान न करे, देवेंद्र जी, भगवान न करे, पूरा प्रदर्शन का मौका कांग्रेस को मिला था चुनाव में। हिंदुस्तान की जनता को देखना पड़ेगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, प्रदर्शन का मौका कांग्रेस को भी मिला था, हर पार्टी को बराबर मौका मिला था प्रदर्शन का। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद अकील जी जुड़ी हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नाहिद अकील जी, जिस तरह से अगर बात करो समाज के हक की, अगर बात करो समाज के हक की, जो समाज का हक है, फिर राजनीतिक जो पार्टियां होती है वो घुमा देती है, मुद्दे पे बात नहीं हो रहा है, गरीब गरीबी की मार झेल रहा है, गरीब अतिक्रमण की मार झेल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि अतिक्रमण सही है, गलत है अतिक्रमण, लेकिन अतिक्रमण होता कहां से, जब बात करो तो राजनीतिक पार्टियां घुमा देती है। किस तरह से आप इसको देखती है, कैसे पनप रहा है, और इस तरह के जो वाक्य है, किस तरह से, किस तरह की मार झेलनी पड़ रही है आम जनता को? देखिए मैम, भारत टाइटैनिक जहाज की तरह आधा डूब चुका है अभी। आज यहाँ की हालत ऐसी है कि जो माहौल बनाया जा रहा है, कितना सच है कितना झूठ है, गेहूं का भंडारण बताया जा रहा है भारत में खत्म हो गया है, आने वाले दिनों में गेहूं को गरीबों की पहुंच से दूर बताया जा रहा है। इसके पीछे जान भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अडानी अंबानी की बोलियां पिछले दो सालों से दिखाई जा रही थी कि इन्होंने पंजाब में हर जगह अपना वो स्टॉक गेहूं खाद्यान्न पदार्थों का करने की कोशिश की है, तो ये शायद उसी का एक हिस्सा है कि जमाखोरी हो रही है, पहले गेहूं गायब हो जाएगा, फिर उनकी पैकेट में लोग एक एक किलो खरीद के 300-400 रुपए किलो गेहूं खाएंगे, आटा खाएंगे। आज देश में आप बात कीजिए, शिक्षा महंगी है, स्वास्थ्य महंगी है, जीवन जीने की जो बुनियादी चीज है, गैस, खाद्य तेल, दूध, ये सारी चीजें महंगी हो गई है। और उसी के अनुपात में आप देखिए कि रोजगार रहा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में नई जॉब क्रिएट करने के लिए आपने मना कर दिया है, जो खाली पद पड़े हुए हैं उसको आप भर नहीं रहे हैं, जो तमाम महकमे के सरकारी महकमों में बैठे लोग हैं, आप प्रीमियर लेयर को छोड़ दीजिए, क्लर्क का जॉब से आप स्टार्ट कीजिए, वहाँ दो दो महीने तीन तीन महीने सैलरियां नहीं मिल रही हैं, देश की हालत ये हो गई है। और बातें बड़ी बड़ी पॉलिटिकल तरीके से ये लोग करते हैं, जनता ने अगर दूसरे टर्म में इनको किस ये जिताया, कुछ तो उम्मीदें नहीं होगी जनता को, लेकिन ये तो सरासर जनता के साथ विश्वासघात है कि आज उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया इन्होंने, क्योंकि सरकार बनाने की क्या जिम्मेदारी होती है। बीजेपी की प्रवक्ता जो बोल रही है कि जनता को जागरूक होना चाहिए, जब इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देश को तोड़ने का मैसेज देती है, तब तो जनता खुद जागरूक हो जाती है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करती है, तो इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात रख लेने दें, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। नाहिद जी को अपनी बात रखने दीजिए, उन्होंने बहुत कार्य किया है कोरोना के दौरान भी लोगों के लिए, नाहिद जी को हर किसी ने देखा है, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं समाज के लिए, मैं चाहूंगी वो अपना पक्ष रख ले, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। नाहिद जी, आज कोविड के बाद आप देखिए, जो कोई भी परिवार ऐसा नहीं बचा है जिसकी माली हालत पुरानी जैसी रही हो, जिस लिविंग स्टेटस में वो रह रहा था उससे नीचे आया है, तो इस काल में पैकेज देना चाहिए कि लोग अपना, अगर आप पकड़ा
पकौड़ा नीति की बात करते हैं तो जो मुद्रा लोन है वो कितने लोगों को मिल पाता है? कहते हैं कि बिना कागज के आप बैंक में जाइए लोन लेके जाइए। मंजू शुक्ला जी को कहती हूँ डिबेट के बाद किसी भी बैंक में चली जाए और पूछ ले मुद्रा लोन मिल रहा है, हर जगह कोटा पूरा हो जाता है। वो जैसे ही शुरू होता है अप्रैल में बांट बूट के बड़े लोगों को हो जाता है। हकीकत में जाकर के देखें, अगर जागरूकता की बात करते हैं कि एक मध्यम वर्ग का परिवार कैसे जी रहा है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस मुद्दे पे भी डिस्कशन करेंगे। एक अहम मुद्दा है जो गरीबी बेरोजगारी है, एक अहम मुद्दा है। देश का जो युवा है वो बेरोजगारी की तरफ अग्रसर है, आत्महत्या करने को मजबूर है और एक अहम चर्चा का मुद्दा यह है। लेकिन आज जो हमारा मुद्दा अतिक्रमण का, हम उस पर बात कर ले। मंजू शुक्ला जी, जो डग्गामार वाहन है वो अपनी जगह पे खड़े नहीं होते हैं और अतिक्रमण का एक बड़ा हिस्सा है डग्गामार वाहन, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, मैं आपको पहले तो जो देवेन जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, मैं बहुत सम्मान करती हूँ। शाहिद हमारी बहुत प्रिय मित्र है, मैं उनका भी बहुत सम्मान करती हूँ। दोनों का राजनीतिक जुड़ाव है, सामाजिक जुड़ाव भी है जी। हम सब एक ही परिवार के हिस्से हैं। लेकिन आप ये बताइए कि 70 सालों में 1947 के बाद से कितने दिनों तक कांग्रेस ने शासन किया, ये सारी समस्या भाई 5 साल का जवाब दीजिए। 5 साल में इतनी बड़ी महामारी आई, उसका जवाब आप दे पाएंगे? ऑक्सीजन वाला लोग मर गए, अंतिम संस्कार लोग कर नहीं पाए, वो जवाब आप दे नहीं पा रहे। आप 70 साल की दुहाई दे रही, 70 साल की दुहाई दे रही है तो टेक्नोलॉजी कौन लगा? मंजू शुक्ला जी, अगर आज आप 70 साल की बातें बैठ के कर रही है तो शायद उसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जिससे आप बैठ करके डिबेट कर रही है। प्रियंका गांधी जी, उनके बेटे रेहान, उनकी बेटी मिराया और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का कौन सा थोर ऐसा है जो खरबों आती दिल्ली में? मंजू शुक्ला जी, ये मुद्दा नहीं है आज का मुद्दा, अतिक्रमण है। आप लोग मुद्दे से ना भटके, आप लोग मुद्दे से ना भटके। किसकी देखिए, किसकी कितनी नेटवर्थ है, किसकी कितनी नेटवर्थ है, ये आज का मुद्दा नहीं है। आज का जो मुद्दा है वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण के चलते देखिए, मैं पत्रकार हूँ, मेरा कार्य है गरीबों की आवाज को आगे बढ़ाना। और मैं जब फील्ड रिपोर्टिंग में गई तो तमाम गरीबों का कहना था कि अवैध तरीके से हटाया जा रहा है। जब उन्होंने दुकान लगाया तब उनको नहीं बोला गया, हालांकि मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ कि क्यों लगाया आपने वहां पर दुकान, लेकिन आज हटाया जा रहा है। इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन उनको जगह देगा, कौन देगा? मंजू शुक्ला जी, डग्गामार वाहन अतिक्रमण का मुद्दा है, क्यों उसको हटाया जा रहा है? जी, आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। आपने कहा कि मैं स्वयं इस बात की निंदा करती हूँ कि ये क्यों लगाया गया जी। लेकिन आपको संरक्षण किसने दिया जब उन्होंने पहले लगाया? मंजू शुक्ला जी, जब उन्होंने पहले दुकान लगाया तो उनको संरक्षण किसने दिया? आखिर कौन उनको बढ़ावा दिया? उसी वक्त क्यों ने नगर निगम द्वारा हटाया गया? बात होती परमिशन की, जो सालों से लगती चली आ रही ना कि 4-5 दिनों में लगी है। सुनिए मेरी बात, जी जी, सारी बातों के लिए सरकार को नहीं कह सकते हैं। ये राजनीतिक दल जो है, ये अपोजिशन, अपोजिशन अगर मिल करके सरकार के साथ में काम करे तो मंजू शुक्ला जी, आप सीधा ये कह देना चाहती है कि जो मेन विपक्षी पार्टी है समाजवादी, उसने दुकानें लगा दी, कांग्रेस ने वहां पर दुकानें लगवा दी, आप यही कहना चाहती है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती। मैं ये कह रही हूँ कि विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए। लॉकडाउन और कोरोना बहुत दुखदायी दौर रहा है इस देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए। उस दौर में भी विपक्ष ने सरकार का साथ देने के बजाय, लोग मर रहे थे, भाजपा के लोग नहीं मर रहे थे, किसी सोचा जाए कि भाजपा के लोग मर रहे हैं, भाजपा के लोग नहीं, देश की जनता मर रही थी। मंजू जी, आज हम मुद्दे की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण पे बात करेंगे। मैं बिल्कुल मंजू शुक्ला जी, मैं आपको बिल्कुल इनवाइट करूंगी इस मुद्दे पर, और मैं चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता है और अपनी बात प्रमुख होकर के अपनी बात रखें। मैं ये बिल्कुल
चाहूंगी, लेकिन आज का मुद्दा अतिक्रमण है। मंजू शुक्ला जी, आप एक बार उन गरीबों का दर्द देखिए जो 100 रुपए कमाते हैं और शाम में खाते, अब उनका क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का अब क्या? देखिए, उनको हटाया गया है तो अतिक्रमण हटाने का तो आप भी समर्थन करेंगे, मतलब नहीं, करेंगे? मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करती हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ गवर्नमेंट से उसके उनके लिए भी तो एक जगह निर्धारित की जाए ना, उनको एक जगह दिया जाए जहाँ पर वो अपनी दुकानें लगा सके। मैं बिल्कुल इस चीज का फेवर करती हूँ कि अतिक्रमण हटना चाहिए, हमारा प्रदेश ट्रैफिक मुक्त होना चाहिए, मैं इस बात के सपोर्ट में खड़ी हूँ। लेकिन वो बच्चे जहाँ पर, वो लोग जहाँ पे सालों से दुकान लगा रहे, उनके लिए कोई जगह निर्धारित की जाए ना, उनके लिए कोई जगह दिया जाए। जी बिल्कुल की जाएगी, वो भी प्रक्रिया में है, वो भी प्रक्रिया में है और वो जगह निर्धारित की जाएगी, ताकि ये सालों से कहा जा रहा है। मंजू शुक्ला जी, कई अखबारों की रिपोर्ट आप पढ़ रही होंगी, सालों से कहा जाता है कि उनको जगह निर्धारित किया जाएगा। देखिए, न निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही है और न निष्पक्ष विपक्ष बात। मंजू शुक्ला जी, पत्रकारों पे सवाल तो हर कोई उठाता है, मेरी बात सुनिए, पत्रकारों पे, देखिए, पत्रकारों पे सवाल हर कोई उठाता है, पत्रकारिता पे सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन पत्रकार की जगह पे एक बार रह के देखिए, कभी उन गरीबों के बीच में जाइए ना जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उनके आंसू देखिए ना, आप भी देखेंगे, आप भी बिल्कुल यही चीज कहेंगे कि उनको जगह दिया जाए। सालों से कहा जा रहा है, पत्र सुनिए, अखबारों में जो निकलता है ना, पढ़िए, सरकारों सालों से प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि दिया जाएगा। हम लोग ग्राउंड जीरो पे जाके काम करते हैं, दर्द देखते हैं, आंसू देखते हैं उन गरीबों की, तब आके उनका पक्ष यहाँ पर रखते हैं, तब हम सवाल करते हैं आपसे। और अगर आपको ये लगता है कि मीडिया आपसे सवाल ना करे तो बहुत गलत बात है, हमारा हक है आपसे सवाल करने का, बिल्कुल हक है जी, बट मीडिया पे ऐसे सवाल आप लोग बार बार नहीं उठाया करिए। हमारा हक है, हमारा जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको जवाब दें। मैंने सारे पत्रकारों पर सवाल नहीं उठाया है, बट बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने पत्रकारिता की गरिमा को रूमिल किया है, उन्होंने विपक्ष के साथ रह करके कोरोना और लॉकडाउन जैसे पीड़ादायक दौर में भी बजाय सरकार का साथ देने के लिए वो परिस्थितियां और वो परिदृश्य पैदा किए हैं, वो बातें अफवाहें फैलाई हैं जिन लोगों की उसमें जाने गई हैं। आज भी लोग डिप्रेशन का शिकार होकर के घरों में मौत का इंतजार कर, ठीक है, रेड़ी पटरी वाले जो थे अतिक्रमण जिनका हटाया गया, उनके लिए सरकार अब क्या एक्शन लेगी? सरकार देखिए, हमारे यहाँ अतिक्रमण जो आपने बात कही थी उससे सरकार बहुत सख्त है जी। और हमारे मुख्यमंत्री का जो कार्यशैली है उससे तो सभी प्रभावित है, उन्होंने जिस तरीके से शासन चलाया है और अपराधियों को और बिल्कुल अपराध मुक्त कर दिया है उत्तर प्रदेश को, अतिक्रमण मुक्त भी हो जाएगा, मैं आपको आश्वासन देती हूँ पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है उसी तरह से अतिक्रमण मुक्त हो, मैं इसकी उम्मीद करती हूँ। लेकिन उन बेचारे रेड़ी पटरी वालों को उनका हक मिले, उन्हें कोई जगह निर्धारित की जाए जहाँ पर वो अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए कुछ कार्य कर सके। बिल्कुल मिलेगा, मैं पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देती हूँ कि बिल्कुल मिलेगा, जो जन समस्याएं हैं उनका निराकरण बेशक हम करेंगे। जी बिल्कुल, देवेंद्र सिंह जी, किस तरह से देखते हैं आप इसको, वो जो रेड़ी पटरी वाले हैं उनके दर्द को किस तरह से देखते हैं आप? और सबसे बड़ा सवाल जो मेरा कांग्रेस से उठकर ये है, देवेंद्र सिंह जी किस तरह से आवाज उठा रहा है, आप विपक्ष में होने का दावा करते हैं, आप दावा करते हैं कि हम सालों से सरकार चला रहे हैं, लेकिन जब आप विपक्ष में हैं तो किस तरह से आवाज अपनी उठा रहे हैं, किस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं आप? देखिए तिस्ला जी, जी सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपने जिस एक जिम्मेदारी के साथ और जिस एक संवेदनशीलता के साथ आपने अपनी एंकरिंग और अपनी जिम्मेदारी जो एक पत्रकार का होता है वो आपको इस चैनल के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से दिखा। हमारी बहन डॉक्टर मंजू शुक्ला जी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही संवेदनशील महिला हैं, बहुत ही आंदोलनकारी और बहुत मुद्दों पर संघर्ष करने वाली हैं, मगर दुख इस बात का है तिस्ला जी कि आज जो ये शब्द मंजू शुक्ला जी इस डिबेट में कर रही हैं ये उनके शब्द नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भाषा बोल रही हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी बहन है वो और उनका सम्मान करता हूँ, मगर आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो एक नकारात्मक कार्य हैं, जो जनता के
विरोधी कार्य हैं आज उसका बचाव कर रही हैं, ये निश्चित तौर पर तिस्ला जी मुझे दुख पहुंचा है। मैं मंजू शुक्ला जी से कहना चाहता हूं, कम से कम आज जो मानवता इतनी ना गिर जाए कि जिस मंजू शुक्ला ने जिस तरीके से ये कोरोना जो काल की जो बातें किया है, मैं तिस्ला जी कहना चाहता हूं ये वही सरकार है कि उस कोरोना काल में जिस कोरोना में कि महामारी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को पैरासीटामॉल की टेबलेट, विटामिन सी विटामिन डी की टेबलेट नहीं दे पाई, लोगों को बेड नहीं दे पाई अस्पताल में, लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई और लाखों लाख लोगों ने असामयिक मौतों के शिकार हुए हैं, आखिर इसका जिम्मेदार तिस्ला जी कौन है? ये मैं पूछता चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता मंजू शुक्ला जी से। आज दम भरते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस मैं तिस्ला जी सबसे पहले लखनऊ में नाहिद जी भी जान, सबसे पहले मैंने कुछ चंद लोग थे जब जबरदस्त कोरोना था कि लखनऊ सड़कों पर अपने साथियों के साथ मैंने सेवा किया। भारतीय जनता पार्टी ने और इनके कार्यकर्ताओं ने तो बिल्कुल कोई सेवा ही नहीं किया है, सरकार ने कोई सेवा किया है और कांग्रेस पार्टी। और रही बात तिस्ला जी जो आपके प्रश्न का जवाब था, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, जिम्मेदार विपक्ष है, ठीक है कि हम चुनाव हार गए हैं, मगर उसके बाद भी हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी हर मुद्दे पे, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे हमारे छात्रों की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, हर मुद्दे पे कांग्रेस ने संसद से संघर्ष किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश के गंगा जमुनी तहजीब भाईचारे बसते दुखकर साझी विरासत को बनाए रखने के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के ये नापाक इरादे जो आरएसएस के इशारे पर देश को कमजोर और बर्बाद करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता संघर्ष करेगा। और जवाब सुनिए, आरोप और प्रत्यारोप से हटकर जिस दिन हम ये सोचने लगे कि जिस जनता ने हमें मैंडेट दिया, जिस जनता ने हमें कुर्सी पर बिठाया, हम उसके लिए कार्य करें। बिल्कुल मंजू जी, नाहिद अकील जी हमारे साथ जुड़ी है। नाहिद जी, अवैध अतिक्रमण की बात हो रही है, अभी हाल ही में एंटी रोमियो स्क्वाड भी एक्टिव किया गया, उसमें कई जो ऐसी स्कूली छात्राएं हैं, बच्चियां हैं, बालिकाएं, उनका ये कहना है कि एक ऑटो रिक्शा में अगर वो बैठती है तो तीन की जगह तो वहां चार पांच बैठा लेते हैं, ये भी तो एक अवैध अतिक्रमण का हिस्सा है ना, किस तरह से आप इसको देखती हैं? ये तो खुली तौर पर चल रहा है, ये जो अतिक्रमण का ये लोग ढोंग रख रहे हैं, हकीकत ये है कि अब जिन रेल पटरी वालों को ये हटाएंगे, फिर उसके बाद पीछे से नगर निगम वाले जाएंगे, पैसे का वसूलीकरण होगा, फिर उसका हिस्सा जाएगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं कर रहे हैं, पैसे है नहीं तो जनता से गरीब आदमी डरता है, अमीर आदमी तो कितने करोड़ों का बिजली का बिल ये चल रहा है। जी, कुछ तकनीकी खराबी के कारण नाहिद अकील जी से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल आज की हमारी चर्चा को हम समय की कमी होने के कारण यहीं पर रोकना चाहेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, एक अच्छी पहल है, टैक्स पेयर्स को रोड साफ सुथरी चाहिए, हर किसी को रोड साफ सुथरी चाहिए ताकि एक्सीडेंट जैसी भी घटनाएं सामने ना आए, लोगों को ट्रैफिक की मार ना झेलना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ करके आता है कि जो रेड़ी पटरी वाले हैं, जिनका अतिक्रमण हटाया गया है, इतने सालों से किसकी छत्र छाया में अतिक्रमण पल रहा था, और अगर अब हटाया गया है और हर किसी को इसका समर्थन भी करना चाहिए कि अतिक्रमण हटाया जाए, अब उनको सबसे बड़ा सवाल उठ करके आता है कि उनको अब किस तरह से कहीं जगह दिया जाएगा कि वो अपने दिन भर जो 100 रुपए कमा कर शाम की रोटी खाते हैं उसका जुगाड़ कर सके। आज की हमारी चर्चा को मैं यही रोकना चाहूंगी। आप सभी का प्राइम टीवी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।